नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी और मैं हूं ऋतुविश। कश्मीर अचानक फिर से देश के सियासी भूकंप का एपिसेंटर बन गया है। मोदी सरकार के इस बड़े मूव के लिए पहले से बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं कि जिस फैसले का ऐलान आज किया गया है उसके पीछे का पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या। सबसे पहले अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ और फिर विधानसभा चुनाव की रणनीति बननी शुरू हुई। इसी दौरान 10,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और फिर धीरे धीरे जवानों की तैनाती बढ़नी शुरू हुई। वहीं प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई और अमरनाथ यात्री के साथ साथ ही पर्यटकों को वापस लौटने को कहा गया। यात्रा को रोकने से जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो गई। हलचल के बीच राज्यपाल से नेताओं ने मुलाकात की। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। वही रविवार को अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में एनएसए प्रमुख, आईबी रॉकेट चीफ, गृह विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आज सुबह पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। अमित शाह ने आर्टिकल 370 को लेकर राज्यसभा में संकल्प पत्र पेश किया। अमित शाह के बयान पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। पीडीपी नेताओं ने राज्यसभा में अपने कपड़े फाड़ दिए। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 में बदलाव को मंजूरी दे दी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। R9 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।